जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका कि हमारे किसी के पास डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है और वो अलौकिक रूप से और इन वैदिक पद्धतियों से अगर ठीक हो रहे हैं तो किसी को क्यों आपत्ति है, तो खुश होना चाहिए ना कि हम सनातनी हमारे पास ऐसी पद्धतियां हैं। डॉक्टर 2-3-4-5 लाख रुपए लेते हैं, सर्जरी पे सर्जरी करते, तब भी अंत में जब उनके हाथ से चला जाए तो क्या कहते हैं, ईश्वर के भरोसे। व्यक्ति अपने जिंदगी भर की कमाई डॉक्टरों को भुगते, इससे अच्छा 1.5 लाख रुपए दे और प्रक्रिया कर। मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, कितना फायदा होगा? अभी फायदा हो रहा है, किसी का बेटर है। सनातन संस्कृति के मूल में वेद पद्धति है, वैदिक साइंस है, और वैदिक साइंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बड़ी समस्याओं का हल भी उसमें छिपा हुआ है। अब आस्था और अंधविश्वास में बहुत महीन फर्क होता है, हल्का सा फर्क अंधविश्वास की ओर आपको मोड़ देता है, और आस्था अटूट हो तो सनातन संस्कृति से जो चीजें हैं वो आपके मन में इस कदर समा जाती हैं, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल हो जाता है। अब चर्चा में इस समय करौली बाबा हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि अंधविश्वास का बड़ा ठिकाना ये है, तो कई लोग कहते हैं कि अटूट आस्था है सनातन संस्कृति की, जो पुरानी परिपाटी रही है, जो वैदिक परंपराएं हैं, उसका इस्तेमाल करके वो लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं, उनकी बीमारियों को सही कर रहे हैं। और देखिए, ये विश्वास ही है, ये श्रद्धा ही है जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहाँ दूर दराज के इलाकों से पहुंचते हैं, कोई कोलकाता से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई केरल से आया है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। दरबार लगा हुआ है जो करौली बाबा के नाम से यहाँ फेमस है, बाबा वो अपनी गद्दी पर विराजमान है। आश्रम को भी जरा समझ लें, देख लें, ये बड़ा सा हॉल बना हुआ है आश्रम प्रांगण में, कानपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर ये आश्रम बना हुआ है, करौली बाबा के आश्रम के नाम से ये जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर जहाँ पर बाबा बैठते हैं उसके ठीक बगल में ये गुरु जी हैं, राधा रमन जी उनका मंदिर है। यहाँ पर सामने देखिए ये शिवलिंग बना हुआ है, शिव के उपासक भी हैं। यहाँ पर बगल में, ठीक बगल में ये हवन कुंड हर समय प्रज्वलित रहता है। यहाँ पर इस प्रांगण में कामाख्या माँ का मंदिर भी है, उसमें भी लगातार हवन होता रहता है, चूंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो लगातार हवन हो रहा है। और ये दावा किया जाता है कि इस हवन में भाग लेने से, हवन में सामग्री की आहुति देने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। हम अभी यहाँ पर देख ही रहे थे, कई लोगों से हमने बातचीत भी की, कई जो लोग आए थे, किसी को पैर की दिक्कत है, उठने में बहुत समय लगता था, लेकिन बाबा के दरबार में 2 दिन से हाजिरी लगाई और वो उठने का जो समय है उनका कम हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग देखिए कतार लगी हुई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता। आप लोग कहाँ से आए? मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। अच्छा, आप मुलाकात होगी बाबा से, बातचीत हो गई? नहीं, अब उसी के लिए बैठी। आपको क्या, आपकी कोई रोग है, आपको कोई किसी बीमारी से पीड़ित है? देखिए, मैं कुछ ऐसी असाध्य बीमारी से पीड़ित थी जिसका कि इस दृष्टिगत जीवन के अंदर आप उसको कुछ बता नहीं सकते, अलौकिक। अच्छा, तो वो आप लौकिक लोग तो उसका इलाज कोई कर ही नहीं सकते, और यहाँ आते ही मैं बिल्कुल आराम में आ गई। कब से आप आई? मेरे को 3 दिन हो गए। अच्छा, मैंने सारे वैदिक हवन, कैमरे की तरफ थोड़ा सा, मैंने सारे वैदिक हवन जो है उन पे बैठी हूँ, सारे संकल्प किए हैं, और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं ये करती गई हूँ बिल्कुल ठीक होती गई। अच्छा, जरा प्रक्रिया बता दीजिए, कैसे संकल्प होता है, कैसे आप आती हैं यहाँ पे, कोई अगर अनजाना व्यक्ति आता है तो उसे समझाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है? इनका जो जो नियम है वो बहुत सिस्टमाइज है, किसी भी यहाँ आने वाले भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप आइए और आप रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना। रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कितना उसका पैसा देना होता है? देखिए, पैसा वैसा ये सब तो आप वहाँ से पता करिए। नहीं, जैसे आपने कराया हो, 100 रुपए का एक टोकन लेना होता है, एक आपका कार्ड बनता है, बस उसके बाद उनके प्रोसेस है विधिया नियम के, उनमें आपको जाना होता है और वो सब करके फिर आपको यज्ञ में बैठना होता है, यज्ञ हवन करके। इनकी पद्धतियाँ हैं, मैं बताती हूँ आपको, रुकिए। अच्छा, टोकन ये जो ऐसे गले में लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन का ये कार्ड होता है जी। देखिए, ये हमारी जो है ना, तो मैंने कहा इस तरह की बातें ना, थैंक यू। ये हवन होता है, रुद्राभिषेक, ये जो हमारे शिव जी बैठे हैं। अच्छा, शिव जी का रुद्राभिषेक। फिर सर्व पीड़ा मुक्ति हवन होता है। बस ऐसे 4-5 स्टेप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर कोई करता है घर में। जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो पूजा पाठ की क्रिया है, वही यहाँ पे होती है। वैदिक
वैदिक जो क्रियाएं हैं हमारे शास्त्रों में दी गई हैं, सनातन संस्कृति का जो हिस्सा है। बिल्कुल, सनातन शास्त्रों में हमारी जो हवन की पद्धतियां हैं, देखिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं जो है एक्यूप्रेशर की डॉक्टर भी बन रही हूँ, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर में उसमें ज्योतिष शास्त्र जो है वो ये कहता है, ज्योतिष शास्त्र वो ये कहता है कि अगर आप जन्म लेके आए हैं तो 75% आपका प्रारब्ध है और 25% आपके अपने कर्म है। मुझको एक नया कॉन्सेप्ट ये भी देखा कि ये आपके पितरों से आपको जोड़ते हैं, वहाँ से समस्याओं का हल तलाशते हैं। हाँ बिल्कुल सहमत हूँ मैं, ये वो समझ सकते हैं जो ईश्वर से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और ईश्वर के कनेक्शन से जिनके पास वो सिद्धि है वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मैं देख सकती हूँ, मैंने सब देखा है कि मैं किस तरीके से। अच्छा, लोग कई बार जैसे आपकी आस्था है सनातन संस्कृति से जो परिचित नहीं है वो लोग कई बार अंधविश्वास से इसे जोड़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ ऐसा है, आपका अपना जो माइंडसेट है, आप किसी भी चीज की आपकी समझने की जो क्षमता है सारा कुछ उस पर निर्भर करता है। बस नजरिए की बात है। और एक बात और कहना चाहूंगी मैं, जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका कि हमारे किसी के पास डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है और वो अलौकिक रूप से और इन वैदिक पद्धतियों से अगर ठीक हो रहे हैं तो किसी को क्यों आपत्ति है? तो खुश होना चाहिए ना कि हम सनातनी, हमारे पास ऐसी पद्धतियां हैं कि हम ठीक कर सकते हैं, इतनी समृद्ध है कि हम बीमारियों का इलाज तलाश। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल बैठ नहीं सकती थी। अच्छा, पैरों में दिक्कत थी आपकी? हाँ, ये ऑपरेशन बोले थे नागपुर का एलेक्जे हॉस्पिटल और वो कार्ड में, और हमने फिर पहली बार मेरे मामा का लड़का दो चार बार गया, उसने बोला चल बाबा जी दरबार देखें क्या होता है, इधर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सारे लोगों को पता चलेगा। मेरा तो क्या है कि मैंने वन डे किया जुलाई महीने में पहली दफा आई। हाँ, तो फिर हमने जो विधि विधान जो संकल्प है माता जी के दरबार में, जो बताया ना पहले वन डे में माता जी के दश महाविद्या का हवन होता पहला। मतलब लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे अगर कोई अनजाना व्यक्ति आता है तो क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई लोग डरा भी देते हैं। नहीं नहीं, लोग देखो अपनी हिंदू परंपरा जो है समृद्ध है, तो पहला दश महाविद्या का हवन होता 2 घंटे माता के दरबार में, उसके बाद यहाँ पे ये क्या बोलते हैं रुद्राभिषेक होता है। पीछे देखिए रुद्राभिषेक होता है, शिवलिंग यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं, बगल में हवन कुंड भी है, बगल में सर्व बाधा रोग मुक्ति का हवन होता है, ये भी 1.5 घंटे चलता। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का हवन होता और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम के बाद फिर माता के दरबार में जाते हैं। वहाँ जैसे अष्टभुजा देवी है ना अपनी माता जी, उनका पूजा होता, श्री सूक्तम होता, सब शास्त्रोक्त पद्धति से पंडित जी बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब जो हमारी पूजा पद्धति है उसी को 4 स्टेप में, पहले हवन, फिर उसके बाद रुद्राभिषेक, फिर हवन, फिर उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम हवन, तो ये इस सारी प्रक्रियाओं से गुजर के तो अपने आदमी ठीक होता। क्यों आप बोले पितरों का बोल रहे, आप 15 दिन मानते ना पितृपक्ष के, आप हिंदू है ना मानते ना, फिर आप वो करते ना क्या सर्वपितृ अमावस क्यों करते, अपने जो शरीर से आत्मा निकल जाए दिखती क्या अपन, मैं जीवित और गिर जाऊंगी आप मुझे फेंक देंगे जला के, तो वो चीज कहीं ना कहीं घूमती रहती है। अच्छा, लोग जो बाबा की वीडियो देखते हैं, मैं दोनों से आपसे भी सवाल पूछ लेता हूँ, बाबा की वीडियो देखते हैं तो बाबा बातें करते हुए दिखाई देते हैं किसी से, तो लोगों को लगता है कि ये किससे बातें कर रहे हैं, तो एक अंधविश्वास इस धारणा और उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जो बाहर से देखते हैं, जो यहाँ पे नहीं आए जो यूट्यूब में देख रहे हैं। देखिए अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं ना, तो जब आप कभी आपको जैसे शारीरिक कोई पीड़ा होती है जैसे कि फ्लू हुआ, बुखार हुआ, तो आप बाबा के पास आइए, आप खुद एक सेट एग्जाम्पल होंगे उसको समझने का, खुद की समस्या होगा ना, खुद बनिए, खुद संकल्प करिए, खुद आप देखिए यहाँ के, आप ये माइक को मत, आप खुद जैसे खुद को खुद का अनुभव ज्यादा, वो चोरी से वीडियो बनाते क्या बोलते उसको, वो स्टिंग ऑपरेशन, तो आप खुद करिए और फिर देखिए, आप ये माइक और कैमरा मत लाइए। नहीं, मैं देख रहा था काफी सारे लोग थे, मैंने वहाँ पे देखा कि वो उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तुरंत मेरे सामने सेकंड नहीं लगे उन्हें उठने। हाँ, नहीं सही बात है, पुण्यों को बढ़ाया जाता है वैदिक पद्धति से, हमारे पुण्य बढ़ते हैं और उस पुण्यों की ऊर्जा से हमें लाभ मिलता है, उन बीमारियों से जीतने का क्षमता मिलती है, अपने आप को स्ट्रेंथ मिलती है खड़ा करने, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। सर आप कहाँ से?
मैं राजस्थान कोटा से हूँ। साथ में ही आप? हाँ साथ में। क्या अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है। बाकी ये जो यहाँ चल रहा है मीडिया का, उससे काफी लोग तो यहाँ परेशान हो रहे हैं। तो किसी की फ्लाइट है, किसी की बस है, और किसी का बच्चे हैं छोटे, जो परेशानी में है, तीन चार दिन से रुके हुए हैं। रोज मीडिया वाले आ रहे हैं। और आप समझ रहे हैं, इससे बहुत सारे लोग जो यहाँ के बारे में नहीं परिचित है वो भी जानेंगे, उन्हें भी फायदा। देखिए, बाबा जी पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है यहाँ पे कि मारकूट करते हैं, क्या किए, ये बिल्कुल गलत है। बाबा तो कांच के अंदर बैठते हैं, 20 फुट दूर आदमी बात करता है, ऐसी कोई बात नहीं। अफवाह उड़ा रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल मामला है जो भी। देखो डॉक्टर जब 50 लाख, 70 लाख। देखिए ये तमाम जो श्रद्धालु है, देखिए बाबा का जो प्रवचन चल रहा है, जिस पैटर्न से वो लाज कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आए। आरोप लगे हैं, एक FIR दर्ज हुई है। नोएडा के एक डॉक्टर ने FIR दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस भी जांच को पहुंची थी, और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो यहां पहुंचे। और देखिए सब एक सूत्र में, जो सनातन संस्कृति की बात है, जो पुरानी हमारी वैदिक परंपराएं हैं यज्ञ के जरिए चीजों को सही करने की, वैसी ही यहाँ के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन वो भी मानते हैं कि वैदिक जो मंत्र है उनके उच्चारण से, वैदिक जो हवन प्रणाली है, रुद्राभिषेक है, जो भगवान की आराधना है, ये चमत्कार उसी का है, उसी के चलते सारे रोग ठीक हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बाबा का आश्रम में कोई भी अगर रोगी आता है तो महंगी यज्ञ प्रणाली से गुजरना पड़ता है, तो ये जो तमाम लोग हैं, अभी सवाल यही हुआ तो बाबा ने कहा कि न देने वाले को आपत्ति है न लेने वाले को आपत्ति है। यहाँ के लोगों से जान लेते हैं, बाबा अभी पूछ रहे थे आप लोगों से कि यज्ञ के लिए 1 लाख से ज्यादा की रकम लेते हैं, तो वो आपत्ति पूछ रहे थे, आप लोगों को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? हम लखनऊ से आए और हम चाहते भी थे कि हम अपनी बातों को जनता के आगे रख सके। अगर अभी बात हुई ना पैसे की, तो डॉक्टर जो होते हैं, मैं खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर 2-3-4-5 लाख रुपए लेते हैं सर्जरी पर, सर्जरी करते हैं, तब भी अंत में जब उनके हाथ से चला जाए तो क्या कहते हैं? ईश्वर के भरोसे। व्यक्ति अपने जिंदगी भर की कमाई डॉक्टरों को भुगते, इससे अच्छा हो 1.5 लाख रुपए दे और प्रक्रिया करे। सही बात। और दूसरी बात, अगर पैसे की बात है ना, तो यहाँ पे मैं डॉक्टर अंकल सिद्धार्थ को कहना चाहूंगी, एक ही लाइन है मेरे पास, मौन रहना मेरी कमजोरी नहीं है, मैं अपने आदेशों से बंधा हूँ। दूसरी बात ये, यहाँ की कोई विधि ऐसी नहीं कि आप पैसा दीजिए। यहाँ पे हमारे पूजनीय बाबा और हमारी माँ ने गरीब, उनके बच्चे हैं, उनके लिए भी प्रक्रिया रखी है। आप 21 अमावस्या और 21 शनिवार दरबार में जो हवन होता है वो करिए, और आपको महादेव 9 हवन के पुण्य देंगे, और अगर नहीं देते तो मेरा आप नाम बदल दीजिए। अब गुरुदेव को चुनाव, आपका तो अनुभव रहा होगा। जी बिल्कुल, मैं 2 साल से जुड़ी हूँ, मेरा अनुभव है, हमने अनुभव किया। आप किसी की सूचना को गलत ठहरा सकते, मैंने अनुभव किया है। अनुभव की बात है, लोगों की धारणा की बात है, लोग बेहतर एग्जाम्पल है। आप लोग कहाँ से आए सर? मैं तो आया हूँ जी ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से? हाँ जी। अच्छा, बाहर से आप आए? NRI जी, मैं 2008 से गया हूँ। हाँ जी। यहाँ पे कैसे पता चला? मेरे को YouTube पे देखे थे बाबा जी। तो किसी बीमारी के साथ? हाँ जी, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कितना फायदा हुआ? अभी फायदा हो रहा है, किस तरह बेटर है। सवाल उठ रहा था यहाँ पे कि बाबा पैसे लेते हैं, तो बाबा ने सबसे पूछा अभी, किसी को आपत्ति है? नहीं, इसमें आपत्ति क्या, जब हमारी बीमारी ठीक हो रही है, वो पैसे तो हवन के पैसे हैं, डॉक्टर के पास जो तब भी तो देने ही पड़ते हैं। हाँ जी, इसमें तो कोई वो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाबा से बातचीत हुई आपकी? हाँ जी हुई। चलिए, मैंने तो 28 फरवरी को वनडे कराया था। अच्छा। हाँ जी, मैं आप फिर मिलने आया। इम्प्रूवमेंट है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल है, ये मेरी वाईफाई है साथ में, चलो भी संकल्प ले रहे हैं। चलिए ठीक है। हाँ जी, इम्प्रूवमेंट है।